नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में क्यों नहीं वीडियो बनाते तो इसलिए आज हिंदी में एक वीडियो हो जाए। तो मैं आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सुबह से बहुत बिज़ी था, तो इसलिए आज इधर बिस्तर में बैठ के ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा हिलता रहेगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज एक कहानी मैंने सुनी थी, मेरे एक गुरु महाराज ने बताया था, एक शिक्षा गुरु थे मेरे जिन्होंने बताया था। एक दिन नारद मुनि चले गए वैकुंठ भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और जब वो मिले तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि मैं एक सवाल पूछता हूँ। तो भगवान नारायण को पूछा उन्होंने कि आप देखते नहीं कि ये भौतिक संसार में लोग कैसे तड़प रहे हैं, इतना कष्ट है इतना इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ मैं वैकुंठ तो कितना अच्छा है, क्योंकि वैकुंठ का जो अर्थ है उसका अर्थ है कि वैकुंठ, कुंठ का अर्थात कुंठ का अर्थ है जैसे अंग्रेजी में कहे ना सफरिंग, मुश्किलें, रुकावटें, जो भी चीज़ हमको कष्ट देती है उसको कुंठ बोलते हैं, और वाय अर्थात उसके उल्टा अर्थात वैकुंठ वो स्थान है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। तो नारद मुनि चले वैकुंठ और जाके पूछने लगे कि वैकुंठ में तो कोई समस्या नहीं है, ये पृथ्वी लोक के जितने वासी हैं इन सबको आप यहाँ क्यों नहीं बुला लेते यहाँ बुला लीजिए, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा अगर वो लोग यहाँ आ जाते, लेकिन आप है कि बुलाते ही नहीं हैं तो नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आ गया भगवान पे कि आपके वजह से इधर लोग मर रहे हैं, आपके वजह से लोग इधर तड़प रहे हैं। तो भगवान नारायण हंसने लगे सुन के। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, तुमको क्या लगता है हमने प्रयास नहीं किया उनको बुलाने के लिए? तो भगवान बोले हमने कितना प्रयास किया है, हम खुद गए, खुद हमने गीता का ज्ञान दिया, फिर भी ये लोग सुधरते नहीं, ये लोग आते नहीं मेरे पास, मंदिर में तो जाते हैं लेकिन जाके पूछते मुझे खूबसूरत बीवी दे दो, एक आलीशान पति दे दो, एक आलीशान घर दे दो, ये दे दो वो दे दो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे अपने पास बुला लो। अपने पास बुलाने से का मतलब ये नहीं है कोई बोलता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है, उसका ये अर्थ नहीं, उसका अर्थ ये है कि कोई मेरे साथ आए मेरे वजह से, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे वजह से, इसीलिए नहीं कि वो कष्ट झेल रहा है और उसको आत्महत्या करना है। कोई मुझे नहीं चाहता है, सब मेरे क्या बोलते हैं ना वो अंग्रेजी में, एनर्जीज को चाहते हैं, जैसा धन दौलत, फिर ऑपोजिट सेक्स हो गया, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, तो ये सब सभी चाहते हैं, घर बंगला जायदाद गाड़ी, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता है। और मैं कितना गया, मैं राम बन के गया, मैं कृष्ण बन के गया, कितना समझाया ये लोग को, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, मैं क्या करूँ? तो नारद मुनि बोले ऐसा कैसे, आपने अच्छे से कोशिश नहीं किया होगा, चिंता मत कीजिए मैं लेके आऊँगा, अरे मैं गारंटी देता हूँ ना आपको, मैं लेके आऊँगा, आप मुझे आदेश दीजिए जाने के लिए। तो भगवान विष्णु फिर से हंसने लगे सुन के, बोले ठीक है तुम जाना चाहते हो इनको लेके आने के लिए, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, एक आदमी लेके आ जाओ तुम इधर चैलेंज देता हूँ, तुम एक आदमी लेके आ जाओ, बस 10 लाने की जरूरत नहीं है, 100 भी 1000 भी दूर की बात है, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, एक आदमी लेके आ जाओ, मैं मान जाऊंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा तुम्हारे आगे। नारद मुनि बोले अरे आप देखिए मेरा कमाल, अभी हम जाएंगे ना ऐसे ऐसे लोग आएंगे, लेकिन आपको स्पेशल परमिट देना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा हाँ ठीक है, तुम जिसको भी लेके आओगे अंदर, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, उसकी शादी हुई हो ना हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्रा हो, वो व्हाट्सएप यूज़ करता हो, फेसबुक यूज़ करता हो, कुछ भी करता हो, मदिरा पान करता हो, कुछ भी,
वैश्या के पास जाता हूँ, जो भी हो जैसा भी हो जिस भी देश जिस भी प्रांत से वो है, मैं उसको यहाँ स्पेशल एंट्रेंस दूंगा केवल तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। तो तुम अगर किसी को लेके आते हो तो स्पेशल एंट्रेंस उसके लिए। तो नारद मुनि बड़े खुश हो गए सुन के, तो बोले कि ठीक है अभी हम जाते हैं। फिर वो गए पृथ्वी लोक में, आए आप और हम जैसे लोगों के पास। आके वो पूछे कि, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले किसको बुलाया जाए। तो सोचा, तो सोचते सोचते उनकी नज़र जो है एक छोटे से बच्चे पे पड़ी। छोटा बच्चा 3-4 साल का था, कोई कहता है 5 साल का था। तो छोटे बच्चे को जाके बोला, अरे भाई सुन, तू ये सब क्या खेल रहा है, इधर खेल के कुछ नहीं मिलेगा, तू वैकुंठ चलना, भगवान अपने पास बुला रहे हैं, चल चल चल, स्पेशल एंट्रेंस मिलेगा सबको, चल। तो वो जो छोटा बच्चा है बोलता है कि, अरे नारद मुनि मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं आऊंगा, अभी तो मेरा बचपन है, अभी तो मेरे खेलने की उम्र है, अभी मेरे, देखिए ना ये दोस्त आया, रमेश आया है, कल सुरेश आया था, कल मौसी आई थी, आज चाचा आए मेरे, देखिए मेरे लिए जर्मनी से चॉकलेट लेके आया है, फूफा जी बेल्जियम से चॉकलेट लेके आए थे, देखिए वो जो मेरे बड़े पापा है ना, वो मुझे मेरे लिए ना आईपैड लेके आए, मैकबुक एयर लेके आए हैं, यूएस से लेके आया है ना, कनाडा से। तो अभी तो मेरी खेलने की उम्र है, अभी कैसे जा सकता हूँ मैं, पहले मैं खेल लेता हूँ, मेरा बचपन में अच्छे से बिता लेता हूँ, फिर भगवान के पास जरूर जाऊँगा मैं, गारंटी मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ, जरूर जाऊँगा मैं, लेकिन अभी तो मेरी खाने की उम्र है ना, अभी मम्मी मुझे रोज़ हर दिन अलग अलग तरह के पकवान खिलाती है, हर दिन कोई ना कोई आके मुझे कुछ देता रहता है, मैं बच्चा हूँ ना अभी, ये अध्यात्म वगैरह जो है ये अभी का चीज़ नहीं है, ये बाद में करेंगे, करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो नारद मुनि ने फिर समझाया उसको, अरे तू पागल हो गया है क्या, तेरे को स्पेशल एंट्रेंस मिला है तो चलता क्यों नहीं है। तो बोलता है कि, नारद मुनि मैं आऊँगा लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा बचपन है, अभी कैसे आ सकता हूँ मैं ना। उसके बाद वो गए एक 16 साल के नौजवान हट्टे कट्टे जवान के पास गए और बोले कि, अरे सुन भाई, मैंने ना स्पेशल ऑर्डर लेके आया हूँ वैकुंठ से, तेरे को स्पेशल एंट्रेंस मिलेगा वैकुंठ में, तू मेरे साथ चल, सब बंद कर ये सब, चल। वो बोलता है कि, नारद मुनि देखिए मेरी गर्लफ्रेंड ने ना अपना डीपी चेंज किया है, कितना सुंदर लग रही है, देखिए लाल ड्रेस पहन के आया है नारद मुनि, कल वैलेंटाइंस डे, मैं कैसे जाऊं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे रोमांस करना है, अभी तो मुझे ऐश करना है, अभी मुझे अय्याशी करनी है, अभी तो मुझे खुशियां मनानी है, अभी क्या करूंगा मैं वैकुंठ जाके। तो नारद मुनि बोले, अबे तू बेवकूफ हो गया क्या, तेरे को भगवान एंट्रेंस दे रहा है और तू है कि औरत के पीछे लगा हुआ है। तो बोलता है कि, नहीं, नारद मुनि एक्चुअली अभी मैं जवान हूं ना, जवानी ऐसे थोड़ी दी जाती है, ऐसे नहीं होता है नारद मुनि, बाद में जरूर आऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आएगा, जब मेरी जवानी बीत जाएगी ना तो मैं आपके साथ वैकुंठ चला जाऊंगा। तो इधर नारद मुनि हो गए फ्रस्ट्रेट, उनका धीरे धीरे दिमाग खराब होने लगा। फिर वो चले गए एक 25 साल के लड़के के पास। 25 साल, आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं शायद 25 साल के आसपास के होंगे, मुझे मैसेजेस आते हैं। तो 25 साल के उस लड़के के पास जाके बोले, अरे सुन भाई, तेरे को स्पेशल एंट्रेंस मिलेगा, तू चलेगा क्या वैकुंठ। तो वो बोलता है कि, अरे सर अभी अभी तो मेरा लव मैरिज हुआ है, मैं हूँ पंजाब से, लड़की है कर्नाटका से, देखिए ना कितनी खूबसूरत है, अभी तो हमारे, अभी तो हमें बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का वो बचपन देखना है हमें, उसकी उनकी जो टूटी हुई दांतों से वो बोलेंगी ना मम्मा पापा, ये सब देखना हमें, उसका ना मजा ही अलग होता है, अब वो छोड़ के मैं कैसे आऊँ आपके पास। ठीक है एक बार बच्चों का हमारा बचपन बीत जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, गारंटी मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो नारद मुनि हो गए फ्रस्ट्रेट। फिर नारद मुनि चल लिए और एक दूसरी जगह, वहां गए वो एक 45 साल के आदमी से मिले, 45 साल के,
तो उनको पूछा कि सर अभी तो आपका हो गया है, आपका बचपन भी बीत गया, अभी आपकी आपका लव अफेयर भी हो गया, आपका शादी भी हो गया, बच्चों का भी बचपन देख लिया आपने, तो अभी क्या बचा है आपके पास? तो अभी तो आप वैकुंठ चलिए मेरे साथ, बाकी सब तो नहीं गए, आप तो चलिए। बोले सर अब मैं कैसे आऊँ, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को अपने बेटे को यूएस भेजना है ना, MIT मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो एक दूसरा आदमी है बाबाजीत बोल के जिसका अभी मास्टर्स ख़त्म हुआ है गोटिंगेन यूनिवर्सिटी से, मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, या तो जर्मनी भेजूंगा या तो यूके तो यूएस भेजूंगा, अभी कैसे आऊँ मैं? फिर मेरे बेटी को मुझे डॉक्टर बनाना है, आपको तो पता ही है नारद मुनि डॉक्टर बनाने में कितना टाइम लगता है, मास्टर्स ख़त्म होते होते मेडिकल में पता नहीं 30 के आसपास लग जाता है, और मेरी बीवी को मुझे 3 BHK का घर देना है, पूरी ज़िंदगी चिल्लाती रही है तुमने हमें रेंट के घर में रखा, अभी 3 BHK का घर खरीदने वाला हूँ 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेके, नारद मुनि मैं अभी कैसे आऊँ? हाँ ये सब हो गया तब मैं डेफिनेटली आऊँगा, मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको हम वचन देते हैं आपको, एक बार ये सब हो गया ना तब मैं आऊँगा। नारद मुनि पूरा फ्रस्ट्रेट। उसके बाद वो गए 65 साल के एक आदमी के पास, वो आदमी पूरी तरीके से बुढ़ा हो चुका था, और उसका क्या हुआ था ना, वो खांसता रहता था 24 घंटा। तो नारद मुनि सोचे कि ओ ये तो थोड़े बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया इनको, तो अभी शायद वो आएंगे। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए, बोले चलो कोई जवान आदमी नहीं तो सही, ये बूढ़ा आदमी तो आएगा, ऐसा सोच रहे थे वो। फिर वो गए उस बूढ़े आदमी के पास और बोला कि सर आपको स्पेशल एंट्रेंस मिलेगा, और आप तो एनीवेज थोड़ा दिन बाद आपकी टिकट कटने ही वाली है, तो अभी एडवांस में चल लीजिए, लेकिन तब पता नहीं आप स्वर्ग जाए नरक जाए, अभी तो आपको वैकुंठ जाने का मौका मिल रहा है, चलिए सर हमारे साथ चलिए, हम घुस जाएंगे वैकुंठ में। अब वैसे भी क्या रखा है, आपका 65 हो गया, कभी भी आपकी टिकट कट सकते, कभी भी बुलावा आ सकता है, आपको क्या पता। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अरे मैंने इतना पैसा कमाया ना, अभी मैंने इधर पैसा इन्वेस्ट किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा इन्वेस्ट किया है, दुबई में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है, यहाँ इन्वेस्ट किया है, वहाँ इन्वेस्ट किया है, मेरा जो दोस्त है ना मेरे साथ पढ़ता था अभी एक कंपनी का CEO है, उससे आगे जाना है मुझे, मेरी बीवी बोल रही ना उसको लंदन में घर चाहिए, हाँ, और मेरे मेरे पोते और ये लोग का शादी कराना है मुझे, मेरे नाती पोते जो भी है और मैं ना सोच रहा हूँ मेरे घर के लिए मैं एक बहुत बड़ा गाड़ी लूँ। नाजमुनी आपको पता है इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसको ना रोल्स रॉयस बोलते हैं, रोल्स रॉयस कंपनी का एक बहुत शानदार गाड़ी आता है फैंटम बोल के, वो मुझे खरीदना है। अभी तो मेरा दिन आया, पूरा जिंदगी मेरा दूसरों के लिए करने में गया, अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी कुछ कर लूँ, और आप बोल रहे हैं कि अभी वैकुंठ आ जाओ, तो मैं अपने लिए कब जीऊंगा? बचपन में मम्मी पापा के लिए जिया, जवानी बीवी के बारे में सुनते सुनते बीती, अभी बुढ़ापे तक मैं बच्चों के लिए करता गया, मैं अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं, अभी टाइम है मेरे पास, अभी मैं शराब पीता हूँ, अभी मैं ये मांस खाता हूँ, अभी सिगरेट फूंकता हूँ, अभी मैं व्हाट्सएप पे भी लगा रहता हूँ, मैं फेसबुक पे भी मैंने अकाउंट खोला है, अभी तो मेरा ऐश करने का टाइम है, अभी जितना मैंने काम किया ना सबका ऐश मैं अभी कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी तो काम में ही निकल गई, तो अभी आप मुझे बोल रहे हैं कि वैकुंठ है, संभव नहीं है। हाँ ये मैं एक बार ऐश कर लूँ ना फिर मैं डेफिनेटली आऊँगा आपके साथ। तो नारद मुनि नारद मुनि सोचने लगे ना हो पाएगा हमसे, हम सरेंडर करते, फिर वो खुद चले गए वैकुंठ, और फिर भगवान नारायण के पास गए और भगवान उनको देख के हंसने लगे, बोले क्या हुआ हमारे प्रिय नारद, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, आप आत्मविश्वास, तुम बहुत आत्मविश्वास से बोल रहे थे कि ओ मैंने कुछ नहीं किया है ना इनको यहाँ लेके आने के लिए ना, मेरी गलती है, तुम गए क्या हुआ, किसी को क्यों नहीं लेके आया तुम? बोले कि प्रभु मैं जाऊं या आप जाओ क्या फर्क पड़ता है, जब उनको ही आने का मन नहीं तो हम कैसे ला सकते हैं, हम उनको खींच के तो लेके आ नहीं सकते।
तो प्रभु ने कहा कि हाँ आपने सही कहा, हमने 10-10 अवतार लिए गए और इतना समझाया कि यहाँ मैं कुछ नहीं रखा है। तू पैसा कमाएगा, तेरी बीवी होगी, तेरे बच्चे होंगे, ये लोग सब लूट के ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। तू जब जिस दिन मरेगा ना, उस दिन भी लोग इसीलिए आएंगे तेरी, वो क्या बोलते हैं उसको, तू जब मरेगा ना तब वो सेरेमनी में जो लोग आते हैं ना, वो इसीलिए आएंगे, इसीलिए नहीं कि वो लोग तेरे से प्यार करते हैं, इसीलिए आएंगे क्योंकि उनको फ्री में उस दिन खाना मिलेगा थोड़ा टाइम के लिए, तभी तेरी मौत में शामिल होने आएंगे वो लोग, वरना तो ऐसे भी नहीं आएंगे। कितना समझाता हूँ मैं, फिर भी ये लोग नहीं आते और बाद में मुझे दोष देते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है ना, सब आ, आ, सब मेरे वजह से हो रहा है। खुद पाप करेंगे, खुद भुगतेंगे, लेकिन दोष मेरे पे देंगे, ऐसा है बताइए। तो नारद मुनि भी हंसने लगे सुन के, बोले कि वैसे भी जो काम आप नहीं कर पाए वो लोग, हम वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ ना। तो बेसिकली यही बोलना था मुझे कि हमारा जो आसक्ति है इस संसार के प्रति, वो इतना ज़्यादा है कि हम चाह के भी भगवान की तरफ नहीं जा सकते। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके वजह से हमारी वो ये भौतिक संसार से जो आसक्ति है वो कम हो और हमारी आध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो ज़्यादा बढ़े, वो क्या करना चाहिए हमें? हमें हर दिन सुबह उठ के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे हमारे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, महाभारत के अंदर गीता भी आता है, श्रीमद् भागवत का हमें श्रवण करना चाहिए नित्य हर रोज, क्योंकि भागवत में एक मुझे ये नहीं पता वो भागवत में है या किसी और शास्त्र में, बट एक कहावत है ना, एक श्लोक है कि नित्यम भागवत सेवाया, इसका अर्थ है कि हर दिन हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो जब हम ऐसे दिव्य शास्त्रों का श्रवण करेंगे, सुनेंगे बड़े बड़े महात्माओं से, तो तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना तो हम यही सब में घुसे रह जाएंगे। ओ इसका डिवोर्स हो गया, मेरा मेरे को 50 लाख की नौकरी मिली, उसको 60 की मिली, उसने सोना लिया है, मैंने 3 BHK लिया है, उसने 2 BHK लिया है, मैंने मर्सिडीज खरीदा है, यही सब में रह जाएंगे हम लोग और आखिर में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो यही कहना था मुझे, छोटा सा वीडियो होगा, 17 मिनट क्रॉस हो गया है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे से तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, और जो लोग चाहते हैं कि हम भी भगवान के पास जाए तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।